तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले सेरोविन एएफ कैप्सूल के बारे में। सेरोविन एएफ कैप्सूल सन फार्मा इंडस्ट्री द्वारा बनाया जाता है। इसमें एस्पिरिन 150 mg और क्लोपिग्रेल 75 mg कंटेंट है और इसके मार्केट प्राइस MRP लगभग 97 rupees है। तो चलो इस वीडियो में जानते हैं इसके यूजेस, साइड इफेक्ट और सब कुछ। सबसे पहले जानते सेरोविन एएफ कैप्सूल के यूजेस के बारे में। सेरोविन एएफ कैप्सूल का इस्तेमाल हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक से बचाव और इम्यून कोरिनली सिंड्रोम के इलाज में किया जाता है। ये हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक को दोबारा होने से और हृदय या रक्त वाहिका से जुड़ी किसी भी जानलेवा बीमारी के खतरे को कम करती है। हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक से बचाव। सेरोविन एएफ कैप्सूल दो एंटी प्लेटलेट दवाओं का मिश्रण है। ये नसों और आर्टरी में बंद ब्लड क्लॉट के बनने की रोकथाम करता है। यह आपके शरीर में रुक्त ब्लड फ्लो में मदद करता है जो हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का कारण बनती है। इसे नियमित रूप से लिए इस दवा को असर को बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल में उपयुक्त बदलाव करें। अब जानते सेरोविन एएफ कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में। इस दवा से होने वाले ज्यादातर साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से इसका सेवन करने से ये साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। सेरोविन एएफ के सामान्य साइड इफेक्ट जैसे खरोच, नाक से खून बहना, खून निकलने की प्रवृत्ति बढ़ जाना जैसे लक्षण शामिल है। अब जानते हैं सेरोविन एएफ कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करें या डोसेज के बारे में। सेरोविन एएफ कैप्सूल को भोजन के साथ लेना सबसे बेहतर होता है। अब जानते सेरोविन एएफ कैप्सूल किस प्रकार काम करता है। सेरोविन एएफ कैप्सूल दो एंटी प्लेटलेट दवाओं का मिश्रण है, एस्पिरिन एंड क्लोपिग्रेल, जो कि दौरे से बचाती है। ये एक आपकी अब जानते हैं इसे यूज करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में। आपको सेरोविन एएफ कैप्सूल लेने की सलाह दिल के दौरे और आघात के खतरे को कम करने के लिए दिया गया है। पेट खराब होने से बचने के लिए इसे भोजन के साथ ले। ये आप में रक्तस्राव के खतरे को बढ़ा सकता है। शेविंग करते समय या पैरों के नाखून काटते या नुकीली चीजों का इस्तेमाल करते समय सावधान रहे। ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।